नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर मोनिका अग्रवाल अपने यूट्यूब चैनल एस्ट्रोलॉजी विजन एंड रेमेडीज में आपका स्वागत करती हूँ। इस साल का जो नव संवत्सर है उसका नाम है आनंद। तो आप सभी के जीवन में आनंद ही आनंद रहे, ऐसी मेरी कामना है। नव संवत्सर जिस दिन शुरू होगा उस दिन मंगलवार है, तो पूरा वर्ष आपके लिए मंगल में हो, शुभ रहे और आपको हर काम में सफलता मिले, इसके लिए आपको मंगलवार के दिन सुबह उठकर हनुमान जी के मंदिर में जाएं और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। उसके बाद उन्हें पान और उनको बूंदी का भोग लगाएं और एक तिकोना झंडा अवश्य हनुमान मंदिर में लगाएं। आप अपने कार्यस्थल और घर पर गंगा जल का छिड़काव जरूर करें और उस दिन आप आटे का हलवा जरूर बनाएं और उसका प्रसाद आप सबको बांटें। उसके बाद आप अपने कार्यस्थल पर अपने बही खातों का पूजन करें और जिनके पास बही खाते नहीं है, जो लैपटॉप से काम करते हैं, वो अपने लैपटॉप का पूजन करें, उन्हें धूप और दीप दिखाएं। उसके बाद क्योंकि इस साल के जो देवता हैं वो मंगल देव हैं, तो मंगल देव की कृपा पाने के लिए आप हवन अवश्य करें, क्योंकि मंगल देव केवल हवन से ही प्रसन्न होते हैं। उसके बाद आप अपने मेन गेट पर अशोक के पत्तों की बंदरवार जरूर लगाएं और शुभ चिन्ह बनाएं। उसके बाद आप अपने गेट के दोनों तरफ स्वास्तिक जरूर बनाएं। आपने ये तो सुना है कि सतीये को हम बीच में से काटते नहीं हैं, लेकिन सतीये को क्यों नहीं काटते हैं ये आज मैं आपको बताऊंगी। जो हमारा सतीया है वो हमारी पत्नी का केंद्र स्थान है, इसे आप विष्णु स्थान भी कह सकते हैं। वो कैसे, वो मैं आपको बताती हूँ। ये सतीये का प्रथम स्थान है। ये प्रथम स्थान आप स्वयं हैं। आप जीवन में क्या बनना चाहते हैं, आपकी सारी असफलता और असफलता इस भाव पर निर्भर करती है। ये सतीये का द्वितीय स्थान है। ये स्थान आपका घर है। आपका घर कैसा है, जो लोग लाइफ में घर नहीं ले पाते हैं या घर की परेशानी होती है तो उनका ये स्थान खराब होता है। आपको लाइफ में कोई भी लग्जरी चाहिए, गाड़ी चाहिए या आपको कोई बहुत बड़ी चीज करनी है घर के लिए, तो वो सिर्फ इस स्थान के द्वारा ही हो सकती है। ये तृतीय स्थान, तृतीय स्थान बताता है आपका स्पाउस और आपके पति पत्नी के आपसी संबंध। अगर ये स्थान अच्छा होगा तो आपके पति पत्नी के आपसी संबंध अच्छे होंगे। इसके अलावा सामने वाला हमें किस नजरिए से देखता है ये तृतीय स्थान ही हमें बताता है। उसके अलावा जो हम रोज का व्यापार करते हैं और लेन देन करते हैं वो हमारा ये वाला भाव ही बताता है। चतुर्थ स्थान, ये स्थान हमारा कार्यस्थल है, हमारा व्यापार स्थल और हमारी जॉब। हम जॉब में कैसा करेंगे, अच्छा करेंगे या खराब करेंगे, सफल होंगे या असफल होंगे, वो हमारे सतीये का ये वाला भाव बताता है। इस साल के जो देव हैं वो मंगल देव हैं और सेनापति भी मंगल देव हैं, और मंगल जो है वो हमारी भूमि का, हमारे घर का कारक है। तो जिन लोगों के लिए घर का सपना है या घर बनाना चाहते हैं वो ये उपाय अवश्य करें। पहला उपाय मैं वास्तु का बताऊंगी। आप अपने घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया में एक बाउल में पानी भरकर 9 गुलाब के फूल रखें और वो लगातार 43 डेज रखें। उसके बाद भी आप उसे कंटिन्यू कर सकते हैं और अपने घर के नॉर्थ ईस्ट एरिया को बिल्कुल साफ रखें। जो दूसरा उपाय है वो ये है कि आप एक चांदी का दीपक लें और उस दीपक में शुद्ध गाय का घी रखें और उसमें लाल बत्ती जलाएं और उसके नीचे एक लाल रंग से रंगी हुई चावल की ढेरी रखें और आप मंगलवार से शुरू करके डेली 9 हनुमान चालीसा का पाठ करें या सुंदरकांड का पाठ करें, तो आपका सुंदर घर का सपना बहुत जल्दी पूरा होगा। नमस्कार दोस्तों, आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें।